This is राजेश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल English Today by राजेश सर पर स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो इट सीरीज की तीसरी वीडियो है और आपने फर्स्ट वीडियो में इट प्लस टेक, सेकेंड वीडियो में इट प्लस कॉस्ट पढ़ा, लेकिन आज की वीडियो कुछ और स्पेशल है। तो देखते हैं, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ऐसे सेंटेंसेस अगर हमें बोलना पड़े या हमारे सामने कोई बोले तो हम उसका रिप्लाई कैसे करें, किस प्रकार से उसको हैंडल करें, उस चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, जिससे कि ये सारे सेंटेंसेस हल हो जाएंगे। देख लीजिए, सेंटेंसेस ऐसे आएंगे, वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी, मुंबई में घर खरीदना उसकी बुद्धिमानी थी, वहाँ से भाग जाना मेरी कायरता होगी, पैसा वापस करना राम की ईमानदारी होनी चाहिए, क्लियर, यह निर्णय लेना हमारी बेवकूफ़ी है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, वहाँ जाना, वहाँ ये तो प्लेस के रूप में है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जाना इन्फिनिटिव वर्ब आई हुई है, ऐसी वर्ब जिसमें नाने नी आए उसके आगे इन्फिनिटिव टू लगता है और यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है। तुम्हारी मूर्खता, एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर आई हुई है, ये जो तुम्हारी और मूर्खता देख रहे हो, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, उनका उनकी उनके, इसका इसकी इसके, उसका उसकी उसके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये ऐसे शब्द हैं। अगर यह पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाएं या पजेसिव डिटरमिनर के रूप में यूज़ किए जाएं तो इनके साथ कोई न कोई एक नाउन अवश्य आता है। अगर ऐसा नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटरमिनर, तो किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते। इस बात को याद रखिएगा, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, आप पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर को बिना नाउन के साथ नहीं यूज़ कर पाएंगे। एक चीज़ क्लियर हो गई, तुम्हारी मूर्खता, मूर्खता यहाँ पर नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, उसकी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी यहाँ पर नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव, मेरी कायरता, कायरता यहाँ पर नाउन है, मेरी पजेसिव एडजेक्टिव, राम की ईमानदारी, ईमानदारी यहाँ पर नाउन है, राम की पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि राम से जब हम लगते हैं बस ऑफ़ एस तो वह अभी पजेसिव एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। यह निर्णय लेना हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद बेवकूफ़ी नामक नाउन आया हुआ है। तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर पर चलता हूँ। इसमें ऐसे सेंटेंसेस को हल करने के लिए क्या रूटीन अपनाया गया है, क्या तरीका अपनाया गया है, उसको देख लेते हैं। ये है पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए, ये जो मैं इधर लिखा हूँ, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे प्लस नाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्लस नाउन। तो ये इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, माय, आर, योर, ठीक है, इट्स और देयर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनको इनको अभी छोड़ रहा हूँ। ये इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जो आप कभी भी इंग्लिश में देखना, आपको बिना नाउन के प्रयोग नहीं मिलेंगे। इसको देख लीजिएगा आप, बिना नाउन के आएंगे ही नहीं, ना आते ही हैं, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटरमिनर कहलाते हैं। हाँ, हीज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, इसलिए जब अकेले आए तो पजेसिव प्रोनाउन मान लेना और जब नाउन के साथ आए तो पजेसिव एडजेक्टिव मान लेना, क्लियर। हर का भी वही हाल है, हर ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, अगर अकेले आता है तो वह ऑब्जेक्ट हो जाता है, अगर नाउन के साथ आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, क्लियर, इसको याद रखिएगा। तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले सेंटेंसेस में क्या करना है, इन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटा देना है, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं, हटा देना, उनके बदले क्या करना है, तो हम ऑफ लगाकर इसी पजेसिव एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए, माय आया है प्लस नाउन, मान लीजिए मेरा, यहाँ पर मान लीजिए आ गया मेरी कायरता, तो हो गया माय कावर्डिस, आ गया माय कावर्डिस, मेरी कायरता। तो अगर आप माय प्लस नाउन को हटाना चाहते हो तो आप पहले तो ऑफ लगाओगे,
ऑफ लगाने के बाद इस माई का ऑब्जेक्टिव केस लगा दोगे, ऑफ मी, इधर हो जाएगा ऑफ अस, इधर हो जाएगा ऑफ यू, इधर हो जाएगा ऑफ हिम, इधर हो जाएगा ऑफ हर, हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है, इधर लगा देंगे ऑफ इट, इधर लगा देंगे ऑफ देम। ठीक, ऑफ लगाने के बाद ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इनका ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, सबका वही फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। क्लियर, खासकर ऐसे सेंटेंसेस को हल करने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इस जो आप सेंटेंस देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर देख रहे हो सेंटेंस का, इनकी बात हो रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो देख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट। सेकेंड बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स इज एम आ वाज वर, इज सिंगुलर, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्लियर, प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, है हु हो हिंदी में आता है, था थे थी आएगा पीछे हिंदी के, ओनली था थे थी केवल पास्ट को डिनोट करेगा, तथ्य को बताएगा, तो वहाँ पर वाज आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है ऐसे सेंटेंसेस में, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकते हैं, कैन पुट, मे माई, विल वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, देख लीजिए ये नाउन है जबकि नाउन नहीं लिखा गया है, फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो वह ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वह ऑब्जेक्ट आपका नाउन या तो हो या तो प्रोनाउन हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का यूज किया जाएगा। ये है स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पर आपको लगाना है, तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी। वैसे हिंदी में जो मूर्ख शब्द है, मूर्ख, मूर्ख एडजेक्टिव होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इडियट, उसको कहते हैं फुलिस, उसको कहते हैं स्टूपिड, ठीक है, उसको कहते हैं विकेट, ये एडजेक्टिव होते हैं। एक फूल भी होता है, एफ डबल ओ एल फूल, लेकिन वो नाउन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस नाउन को क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। स्ट्रक्चर के आधार पे चलेंगे फ्रेंड्स, हम इसकी बात कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, खासकर इनकी। तो यहाँ पे देखिए पजेसिव केस का एडजेक्टिव आया है, नाउन मूर्खता आई हुई है, फुलिस से फुलिसनेस बनता है। यहाँ पर देखिए उसकी, चाहे हर लिख दीजिए चाहे हिज लिख दीजिए, क्योंकि स्त्री पुरुष कौन है पता नहीं है। तो यहाँ पर बुद्धिमानी, बुद्धिमानी को कहते हैं विजडम, विजडम जो कि नाउन है, और इसका एडजेक्टिव होता है वाइज, आप भी जानते हैं वाइज से बना है विजडम। यहाँ मेरी का हो गया माय, यहाँ पर हो गया कायर का, कायर को बोलते हैं कावर्ड, कावर्ड मीन्स कायर, कायर मीन्स एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और एक कायरता होती है नाउन, इसको कहते हैं कावर्डिस, कावर्डिस होती है, नाउन होती है। तो देख लीजिए यहाँ भी नाउन आया है, राम की ईमानदारी, ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट नहीं, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, और यहाँ पर राम की, किसकी, राम की, तो ये जो है ना राम की, यह अपोस्ट्रॉफी एस लेके आया हुआ है राम, तो ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब भी होता है संबंध बताना, क्या बताना, संबंध बताना। देख लीजिए वहाँ जाना मूर्खता होगी, जरा गौर से देखिएगा, वहाँ जाना मूर्खता होगी, अगर हमने तुम्हारा मत पढ़ो, वहाँ जाना मूर्खता होगी, किसकी मूर्खता होगी, क्लियर हो पा रहा है कुछ, अगर आप लगाओ किसकी मूर्खता होगी, मेरी, आपकी, तुम्हारी, राम की, श्याम की, मोहन की, रीता की, सीता की, अंकिता की, पूजा की, किसकी होगी, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारी है ये मूर्खता से संबंध है, ध्यान दीजिएगा। मुंबई में घर खरीदना बुद्धिमानी थी, इसको छोड़ दीजिए मत पढ़िए, मुंबई में घर खरीदना बुद्धिमानी थी, किसकी बुद्धिमानी थी, ऐसे हवा में कैसे बुद्धिमानी हो जाएगी, बुद्धिमानी थी तो क्वेश्चन उठेगा किसकी बुद्धिमानी, तो उसकी, मेरी, तुम्हारी, आपकी, इनकी, कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इनका संबंध इनसे है, इनका संबंध इनसे है, इनका संबंध इनसे है, इनका संबंध इनसे है, तो ये संबंध बतलाने वाले शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर कहा जाता है। क्लियर,
अब आइए ऐसे सेंटेंसेस को हल करते हैं। तो ऐसे वेसेस पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो सेंटेंस लिखा हूँ हिंदी का, ऐसे स्ट्रक्चर पे अगर कहीं आए तो इस फॉर्मूला को, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, तो वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में हम इट का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इट का। ये आपका देखिए फ्रेंड्स हो गया इट। अब आते हैं पीछे, यहाँ देखिए होगी है, ठीक है, वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी। अगर मान लीजिए हैं कहते तो इज आ जाता, थी है तो था, या थी तो वहाँ पर वाज आ जाएगा, होगी है तो विल बी सेल आ जाएगा, चाहिए है तो सुड आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी, तो इट के साथ आप जानते हैं फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है होगी, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, विल बी का, इट विल बी। यहाँ पर केवल होगा, होगी, होंगे आए, वो फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है, तो इट विल बी। अब यहाँ तक हो गया, मॉडल्स को हटा देंगे, मॉडल्स को हटा देंगे क्योंकि मॉडल्स यूज़ हुआ ही नहीं है। अब आएंगे मेन वर्ब भी, जब मॉडल नहीं यूज़ होगा तो मेन वर्ब भी नहीं यूज़ होगा, इनमें से कोई भी यूज़ करते हैं, इज एम आर वाज वर, अगर फ्यूचर में रहेगा तो विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। तो अब आते हैं एडजेक्टिव के पास। अब ध्यान देना, इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, एडजेक्टिव है ये है पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन वो ऐसे एडजेक्टिव को मांग रहा है जो नाउन के रूप में हो, उसका एडजेक्टिव मांग रहा है। मूर्खता, मूर्खता कहते हैं फुलिशनेस, फुलिशनेस, तो फुलिशनेस को हम नाउन के रूप में लिखते हैं, लेकिन हमें उसका कह रहा है कि एडजेक्टिव चाहिए, तो हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, इट विल बी। अब यहाँ पे बोलेंगे फुलिश, देखिएगा ये होगा फुलिश, इट विल बी फुलिश, फुलिशनेस मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि फुलिशनेस लिखोगे तो मूर्खता हो जाएगा, जो कि नाउन है, वो नाउन मांग नहीं रहा है, वो मांग रहा है एडजेक्टिव, तो आपने फुलिशनेस का फुलिश लिखोगे, इट विल बी फुलिश। अब ऑफ नामक शब्द का प्रयोग करेंगे, ऑफ, क्लियर। अब जब ऑफ का प्रयोग करते हो, देख लीजिए मैंने बराबर में लिखा है, चाहे वह पजेसिव केस का एडजेक्टिव हो और नाउन हो, तो वह इन दोनों के बराबर होते हैं, आप प्लस ऑब्जेक्ट लिख दोगे बराबर हो जाएगा आप। अब तुम्हारी का योर होता है, आप भी जानते हैं तुम्हारी का योर होता है, लेकिन हम तुम्हारी का योर न लिख करके ऑफ आ गया है, इसलिए वहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो योर का जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, क्लियर कर लीजिएगा, सारा मटेरियल इसी पर है। तो इट विल बी फुलिश ऑफ यू। अब यहाँ तक लिखने के बाद देखिए, या तो नाउन नहीं आया था तो प्रोनाउन आया, लिख दिया हमने। अब आएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू होता है, इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो जाना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी, ये हो गया गो। अब आया वहाँ, कहाँ, वहाँ, तो वहाँ पर वहाँ की इंग्लिश लिख दीजिए देयर, इट विल बी फुलिश ऑफ यू टू गो देयर, वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी। अगर रहता वहाँ जाना तुम्हारी मूर्खता है तो इट इज़ फुलिश ऑफ यू टू गो देयर, अगर वाज यहाँ पर था कहती होता तो इट वाज फुलिश ऑफ यू टू गो देयर। तो फ्रेंड्स आपको इन सेंटेंसेस के इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, दूसरी बात नहीं ध्यान देना है, बस मैं जो बता रहा हूँ उस पर गौर से ध्यान दीजिए कि जो पजेसिव केस का एडजेक्टिव और नाउन आएगा तो पजेसिव केस के एडजेक्टिव को तो बनाएंगे ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, पजेसिव केस के एडजेक्टिव को बनाएंगे ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, पजेसिव केस के एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा हिंदी में, उस नाउन की जो इंग्लिश होगी, ठीक है, हिंदी का जो संज्ञा है उसकी जो इंग्लिश होगी वह होगी नाउन के रूप में, तो मूर्खता का होता है फुलिशनेस, लेकिन हम नाउन फुलिशनेस न लिख करके हम एडजेक्टिव लिखेंगे, तो फुलिशनेस का एडजेक्टिव होता है फुलिश, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड आता है मुंबई में घर खरीदना उसकी बुद्धिमानी थी, मुंबई में घर खरीदना, ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस को शुरू करते हैं किससे, इट से, इट, अब यहाँ पे थी आया है, थाते थी आए तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वैसे इट हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है इसलिए वाज का ही प्रयोग किया जाएगा, तो इट वाज, ये हो गया इट वाज। अब आइए, ये वी फॉर्म हो गया, मॉडल नहीं आया छोड़ देंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, बुद्धिमानी जो होता है वह नाउन होता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं विजडम या इंटेलिजेंसी,
विजडम, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे नाउन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एडजेक्टिव, उसी का मुझे एडजेक्टिव दे दो। तो विजडम का एडजेक्टिव होता है वाइज, इट वॉज वाइज, ये देख लीजिए वाइज से बना है विजडम, इट वॉज वाइज। अब ऑफ का प्रयोग कर दीजिए, ऑफ का प्रयोग करने के बाद डायरेक्ट हम ये जो उसकी, उसकी का होता है हिज या हर, लेडीज रहेगा तो हर, जेंट्स रहेगा तो हिज, लेकिन क्लियर नहीं है लेडीज है कि जेंट्स, इसलिए हम दोनों लिख सकते हैं ऑब्लिक करके। तो लेकिन हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, जैसे हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस यूँ लिखा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिज का ऑब्जेक्टिव केस आप जानते ही हैं हिम होता है, अगर हर होगा तो हर का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, पजेसिव केस भी हर होता है। तो इट वॉज वाइज ऑफ हिम ऑब्लिक हर। अब आएंगे इन्फिनिटी टू के बाद, तो लगा दीजिए इन्फिनिटी टू, फिर उसके बाद कर रहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देख लीजिए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ है, खरीदना, खरीदना क्या कहते हैं बाय, बाय भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं। इट वॉज वाइज ऑफ हिम हर टू बाय, क्या खरीदना, घर, कहाँ, मुंबई में, तो इन मुंबई, देख लीजिए इट वॉज वाइज ऑफ हिम ऑफ लिखर टू बाई होम इन मुंबई, मुंबई में घर खरीदना उसकी बुद्धिमानी थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर, थर्ड पे चलते हैं, वहाँ से भाग जाना मेरी कायरता होगी, वहाँ से भाग जाना मेरी कायरता होगी। तो सबसे पहले सेंटेंस को इट से शुरू कर दीजिए, इट, अब फिर यहाँ पर होगी आया है, होगी जब यहाँ पर आया तो लगा देंगे विल बी, इट विल बी। अब यहाँ देख लीजिए वी फॉर्म में से इज एम आर नहीं आया, वाज वर्ब नहीं आया, यहाँ पर होगी, होगा इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में आते हैं तो विल बी शैल बी लगाते हैं, वैसे इट थर्ड पर्सन इसलिए विल बी का प्रयोग करेंगे। मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है छोड़ देंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, इसमें एडजेक्टिव है नहीं, हमको मिल गया नाउन, उसी नाउन का बनाना है एडजेक्टिव। तो यह जो कायरता होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉवर्डिस, क्या कहते हैं कॉवर्डिस, और उसी से है पहले बना हुआ एडजेक्टिव कॉवर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉवर्ड, ये हो गया कॉवर्ड, इट विल बी कॉवर्ड। अब आएंगे ऑफ, ऑफ लिख देंगे, और ये जो पजेसिव केस का एडजेक्टिव है इसको ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, तो मेरी का होता है माई लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो इट विल बी कवर्ड ऑफ मी। अब इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर दीजिए, अब कह रहा है कि भाग जाना, फर्स्ट फॉर्म है टू रन अवे, रन अवे, ठीक है, रन अवे मीन्स भाग जाना या फ्ली मीन्स भी भागना होता है, वहां से तो लगा देंगे फ्रॉम देयर, देख लीजिए ये हो गया, इट विल बी कवर्ड ऑफ मी टू रन अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से भाग जाना मेरी कायरता होगी। तो ये थर्ड सेंटेंस था फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर गौर से ध्यान देंगे तो 100% समझ में आएगा, और आप कभी भी बोलेंगे ऐसे सेंटेंस को या रिप्लाई करेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ये पक्का है, ठीक है। फोर्थ को देखते हैं, पैसा वापस करना राम की ईमानदारी होनी चाहिए, पैसा वापस करना राम की ईमानदारी होनी चाहिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम टू सेम जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस हैं वैसे ये वाला भी सेंटेंस आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हर करने के लिए अब देखिए यहाँ पर चाहिए आ गया, चाहिए के लिए आप शुड मस्ट ऑट टू का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल सी बात है तो शुड का प्रयोग करेंगे, जहाँ सामान्य सी बात हो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस को आप स्टार्ट कर दीजिए, सबसे पहले इट लगा देंगे, इट के बाद हम शुड लगा देंगे जो कि मॉडल के रूप में आया हुआ है, देख लीजिए मॉडल है, इसको छोड़ देंगे, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है होनी चाहिए, होनी का आप जानते ही हैं बी होता है, इट शुड बी। अब आएंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आया नहीं, हाँ नाउन आया है, उसी नाउन का एडजेक्टिव बनाना है, तो ईमानदारी का होता है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी का जो एडजेक्टिव होता है वह होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तो इसी का आप एडजेक्टिव बना दीजिए, ये हो जाएगा ऑनेस्ट, इट शुड बी ऑनेस्ट। अब ऑफ का प्रयोग करके इसको जो है राम की, जो राम की है, ठीक है, राम की, तो ध्यान देना एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, राम की अगर कहीं पर आए तो आप ऐसे लिखना, ठीक, इट शुड बी ऑनेस्ट ऑफ राम, ये हो गया राम।
अब एक चीज़ याद रखना आप, ये जो मैंने राम की लिखा तो आपके मन में आएगा कि सर ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्रोनाउन के रूप में, ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ पर भी ऑफ लग गया। तो ये जो आपने नाउन लिखा है तो नाउन के रूप में, लेकिन काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है न कि सब्जेक्ट का। तो इट शुड बी ऑनेस्ट ऑफ राम। अब इन्फिनिटी टू लगा दीजिए। इन्फिनिटी टू लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, पैसा वापस करना। इट शुड बी ऑनेस्ट ऑफ राम टू रिटर्न मनी, ये आपका हो गया, देख लीजिए। इट शुड बी ऑनेस्ट ऑफ राम टू रिटर्न मनी, पैसा वापस करना, राम की ईमानदारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बस दो ही ट्रिक है इसमें। पहली ट्रिक है जो हिंदी का नाउन आया है उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बनाना है, क्लियर। जो हिंदी का पजेसिव एडजेक्टिव आया है उसे ऑफ लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, बस दो ही चीज़ करना है इसमें और कुछ नहीं करना है, ओके। इतना अगर आप कर देते हो तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर भी लिखा है कि यह निर्णय लेना हमारी बेवकूफ़ी है। अगर आप चाहेंगे कि हम इट का भी प्रयोग करें और हम नाउन को एडजेक्टिव में न बदलें, हम नाउन को नाउन ही लिखें और ए जो एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव इसको ऑब्जेक्ट में न बदलकर पजेसिव एडजेक्टिव में ही रहने दें, तो इसकी भी व्यवस्था है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसको मैंने लिख दिया है, आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका है। तो आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, तो हो जाएगा इट, अब यहाँ पे है आया है तो क्या लगा देंगे बी फॉर्म का, इज, इट इज हमारी बेवकूफ़ी, हमारी बेवकूफ़ी, हमारी को आप जानते ही हैं, इस स्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहा हूँ, ये स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग है। तो इट इज़ हमारी क्या होता है, आर, बेवकूफ़ी या मूर्खता एक ही होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे फुलिशनेस, ये हो जाएगा फुलिशनेस। फिर इन्फिनिटी टू, फिर फर्स्ट फॉर्म निर्णय लेना, टू डिसाइड, ठीक है, इट इज आर फुलिशनेस टू डिसाइड दिस। अब इसको जरा गौर से देख लीजिए, इस सेंटेंस को देखिए और इनको देख लीजिए, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो इनको, ये स्ट्रक्चर ये वाला इन पे लागू होगा, ठीक है, जो मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ इन पे लागू हो जाएगा, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम इन सेंटेंसेस को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से, यानी जो एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव आया उसको पजेसिव एडजेक्टिव ही रहने दें और जो नाउन आया उसको नाउन ही रहने दें, तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए अलग तरीके से मैंने यहाँ पर स्टार लगा के बनाया है, विशेष है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देख लीजिए सेंटेंस को मैंने इट से स्टार्ट किया, वर्ब बी फॉर्म यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। अब रह गई बात हमारी बेवकूफ़ी, हमारी बेवकूफ़ी, अगर हमारी को नहीं पढ़ेंगे, यह निर्णय लेना बेवकूफ़ी है, यह निर्णय लेना बेवकूफ़ी है, तो यहाँ पर सवाल उठेगा किसकी बेवकूफ़ी है, किनकी बेवकूफ़ी है। तो जब तक हम वहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे तब तक यह सेंटेंस सही नहीं होगा, यह निर्णय लेना बेवकूफ़ी है, तो सवाल पूछेंगे किसकी बेवकूफ़ी है, तो देख लीजिए हमारी बेवकूफ़ी है, ये जो बेवकूफ़ी का रिलेशन है वो किससे है, हमसे है, तो यह है पजेसिव एडजेक्टिव और यह है आपका नाउन, तो हम नहीं चेंज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही लिख देंगे। तो देख लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव हमारा, हमारी, हमारे का क्या होता है, आर, इसको आर बोलते हैं, ओ यू आर, आर, ठीक है, इट इज़ आर फुलिशनेस, बेवकूफ़ी को कहते हैं फुलिशनेस नाउन के रूप में या मूर्खता। फिर टू डिसाइड दिस, इसका फैसला लेना या यह निर्णय लेना, तो सामान्य तौर पर आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर पर भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन आपको, मैं कभी डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, तो उसमें इस पर डिटेल में चर्चा होगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, कभी वीडियो इस पर बनेगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक होगी, उस पर हम
इन डिटेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर देखिए चेंज नहीं किया है, जैसा था वैसा ही कर दिया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन नाउन, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव को हमने ऑब्जेक्टिव के सोला ठीक है प्रोनाउन बना दिया और नाउन को एडजेक्टिव बना दिया, तो ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। यह वीडियो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक बार स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, फिर सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, प्लस नीचे के जो सेंटेंसेस लिखे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक लगा करके समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब बोले जाते हैं, स्पीकिंग में खूब बोले जाते हैं, इंग्लिश में खूब यूज़ किए जाते हैं, लोग हमारे सामने बोलते हैं तो हमें रिप्लाई देना पड़ता है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे दिक्कत से, ऐसे परेशानी से बचने के लिए, हेजिटेशन से बचने के लिए हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो इट सीरीज की, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोग इसको पढ़ें और इससे लाभान्वित हों। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।